आप देखो क्या बोल रहे हैं, लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंसेज मीनिंगफुली. वो बोल रहे हैं जो ये सेंटेंसेज हैं इसमें कहीं कहीं पे ब्लैंक्स दिख रहे हैं, तो इनको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है. द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश. जब दूल्हे ने उनके घर को छोड़ा, अपनी सासू माँ के घर को छोड़ा, तो उन्होंने क्या उठाया था वहां से, डोर. वो काई का बना हुआ था, मेड ऑफ बैम्बू. एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज, और बैम्बू कहाँ नहीं थे, उनके घर में, सासू माँ के गांव. गांव, वेरी गुड. गांव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विलेज. विलेज, ओके. यस सर. द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, तो जो दूल्हा था उसको लास्ट में बैम्बू करी क्यों नहीं मिल पाई खाने के लिए, बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू क्या, बैम्बू काय के लिए, खाने के लिए ना, खाने के लिए. ईट. क्लियर है? यस सर. अब बोले वर्ल्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अब वो बोल रहे जो स्टोरी आई है उस स्टोरी से इसमें क्या करने हैं, हमको वर्ड्स कुछ फिल करने हैं. द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, कहाँ गया था वो, घूमने. विजिट का मतलब होता है, विजिट का मतलब घूमना नहीं होता, विजिट का मतलब होता है जैसे आप किसी के घर जाते हो ना, तो उसको भी विजिट बोल सकते हैं हम कभी कभी, ठीक है. हाँ, तो क्या सासू माँ को, वेरी गुड, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ. द मदर इन लॉ पॉइंटेड द बैम्बू डोर, तो पॉइंटेड कहाँ क्या था, एट आएगा यहाँ पे, पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. ही स्टेड द नाइट हिज इन लॉज, तो किसके साथ रहा वो, अपने इन लॉज के साथ रहा, तो यहां पर आएगा विद, साथ के लिए आएगा विद. ही कैरीड द डैश बैक विद हिम, क्या ले गया अपने साथ वापस, हो बैम्बू डोर. डोर की स्पेलिंग क्या होती, वेरी गुड, डी डबल ओ आर. द करी वॉज मेड डैश बैम्बू सूट्स, किससे बनी थी वो करी, बस्किल से बनी थी ना, तो बैम उसको बोलते हैं बैम्बू सूट्स, मतलब उस बस्किल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैम्बू सूट्स. तो यहां पर आएगा मेड विद, ठीक है. जब आप ये चीजें आप चैप्टर में भी देखोगे तो ये चैप्टर में भी आपको ऐसे ही दिखाई देंगी, द करी वॉज मेड विद बैम्बू सूट्स, सूट्स. क्लियर है? अब इसको आपको जोर से पढ़ना है, देखो ये क्या लिखा है, इम्पेशेंट, जोर से बोलेंगे, फिर है डेलिशियस, फिर है बॉइल्ड, चॉप्ड, बैम्बू, बिगैन, ठीक है. तो इनको आप बार बार पढ़ोगे, और जिससे कि आप इनको बार बार जब जहां जब भी ये नई बार कहीं पे चैप्टर में आएंगे तो आप इनको पढ़ सको. यहां पर उसने देखो क्या लिखा है, इम्पेशेंट है ना, वैसे ये दिखने में अलग है लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो डिफरेंट होता है, इसलिए यहां पर उसको लिखा है. ये सही स्पेलिंग ये वाली नहीं है, स्पेलिंग ये है लेकिन प्रोनंसिएशन ऐसे करने, इम्पेशेंट, डिलीशियस, ठीक है. तो ये प्रोनंसिएशन के लिए लिखा है लेकिन ये इसकी एक्चुअल स्पेलिंग नहीं है, एक्चुअल स्पेलिंग ये है. क्लियर है? यस सर.